समझे क्या? ये अंकल मुझे पिछले 5-10 मिनट से गालियां दे जा रहे हैं, और मैं जब इनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जब रूट चेंज होगा तो आपका पैसा चेंज होगा, तो मुझे बोल रहे कि मैं ग्रैंड रोड में एक जगह पे चाय पीने के लिए रुका था, रे तो घुमा के लेके गए थे, घुमा के लेके नहीं गया घुमा के मैं, लेके बता टर्न मार के कोई जगह पूरा पे नहीं, टर्न मारा लोकेशन था, इन्होंने पूरा पूरा टर्न टोटल मारा चेंज था। किया है। और मैंने लव ये किया था बता, प्यार से के प्यार पियो, से कुछ और नहीं किया गाली था, आपने बोला है, प्यार से कुछ आपने नहीं, मैं बोला है गाली कि दिया क्यों नहीं, और उतार पांच दूंगा, दस मिनट से गाली आपको दे रहा था, बोले तो मैं चाय इसको के लिए बोला कि मैं पांच आपको मिनट यहाँ पे आपको उतार बोलेगा, दूंगा, अधिकारी अभी ये नहीं मेरे है, को लेके जा रहा है आई एम पुलिस स्टेशन अधिकारी की तरफ, नहीं मैं है, पुलिस स्टेशन में जाकर अधिकारी नहीं इनको है। ये बात करता हाँ हूँ कि चलिए हाँ, ना, और मैं ये मेरे लेके को जाता हूँ, कंज्यूमर बोल के कंज्यूमर हाँ कोर्ट में क्या है क्या पता नहीं ये, और मैं कंज्यूमर कोर्ट नहीं बोला है, बोला है कि आपका नहीं केस कर मैं दूंगा मैं, कंज्यूमर आपको कोर्ट में नहीं बोला है, आपको मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लेके करूंगा जाके ऐसा बोला है, कंप्लेन। हाँ मैं ये जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट कंज्यूमर हो तो, एक्टिविस्ट हूँ, जर्नलिस्ट हो तो नॉर्मल कंज्यूमर इंसान को, कोर्ट नहीं बोला है, नॉर्मल इंसान झूठ मत को, बोलो, नॉर्मल इंसान को परेशान हाँ करने के परेशान लिए करते यहाँ हैं आपको, एक तो मैं एटीओ गाड़ी लिए चला के इनको लेके जा आदमी रहा हूँ, को सीनियर परेशान करने का सिटीजन है अधिकार नहीं है, ठीक है, और कुछ गालियों भी पे गालियां देते जा रहे, गालियों पे डेफिनेटली गालियां देते जा गालियां रहे, तुम बोला है माँ ठीक बहन है, पर, लोकेशन पे तुमने बोला है माँ बहन मैंने पर गाली गालियां, नहीं दिया सर, मैं कभी भी बात गाली मिलता देता है नहीं हूँ, आपको सबसे चाय पहली बात पी के ये आना चाहिए, चाय मेरी आपको मर्जी, मैं अधिकार क्या है इंसान हूँ, बोलने का, मैं इंसान हूँ, बीच में दो चाय मिनट के पी, लिए अगर चाय आपको ले लिया, मेरे बोलने पास का खुद का अधिकार ग्लास क्या है, होता है, गाड़ी से ये उतर ग्लास के जाओ, अंदर मैंने चाय आपको लिया बोलने था, का क्या, क्यों और मैं बोलते चाय हो, लेके यहाँ पे चला, हाँ तो गाड़ी में घुमा बैठ के क्यों, चला रहा हूँ, उसका घुमा मतलब ले नहीं है क्यों, ये भाई साहब, ये भाई साहब बात जब से करते बैठा हो, तब से परेशान कर रहा है मुझे, और अभी परेशान मैं तुम गाड़ी कर पुलिस रहे स्टेशन हो, लेके जा रहा हूँ, तुम पुलिस कर स्टेशन रहे में हो, मैं पुलिस वालों से बोलूंगा कि साहब इनको गाड़ी से उतारो, और गाड़ी से हाँ जितना मेरा बोलना, पैसा जरूर हो रहा है मेरे बोलना, को लाके बना जरूर बोलना, पैसा दो, क्योंकि मैं जरूर परेशान हो बोलना, रहा हूँ, बहुत गाली मेरे दिए जा क्या रहे थे करना है मुझे भाई, जब मालूम से है, कैमरा चालू किया हो मेरे तब से को उल्टा, मालूम है, जब से कैमरा चालू किया हो तब से ये गाली देना बंद किया और उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, जरूर जरूर नॉर्मली आप इनको जरूर मैंने कीजिए, जरूर लेके चंदनवाड़ी से उठाया, तो चंदनवाड़ी से मुझे जो लोकेशन दिखा रहा था वो लोकेशन से मैं लेके चल रहा हूँ, तो ये बोले नहीं मेरे तरफ से लेके चलो, तो भी मैंने मना नहीं किया, तो इन्होंने जैसा बोला था, हाँ मैं नहीं जाता हूँ ब्रिज पर, सीलिंग से जाओ या मत जाओ मेरे को उससे मतलब नहीं है, ये टोटली गाली दे, मैं इनको शांत कर रहा हूँ, मेरे को गालियां देते जा रहे हैं, माँ बहन पे गाली दे रहे हैं, मैं माँ बहन पे गाली सुनने के लिए गाड़ी नहीं चला रहा, और ये मेरे मुझे कंज्यूमर में मुझे केस करने की बात कर रहे हैं, मेरे माँ बहन पे गाली दे रहे हैं, मतलब मैं इनका किसी का कुछ खा के नहीं बैठा हूँ, और अभी मैं पुलिस स्टेशन में कैमरा चालू करके ही लेके जाऊंगा, और ये बंदा मेरे को क्या करता मैं, और ये एज के हिसाब से मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर एज अगर नॉर्मल होता तो वो इंसान समझता था मेरी कंडीशन और वो खुद बात करता था, लेकिन ये बंदा मेरी सुन नहीं रहा, ये पुलिस स्टेशन बहुत ही नज़दीक आ रहा हूँ मैं, इसके हिसाब से मैं आप लोगों से बात कर ये बता रहा हूँ, और ये फेसबुक पे लाइव जा रहा है, और फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव जाएगा, आप लोग देख लेना, और ऐसे लोगों को समझाओ, और ऐसे लोगों से बच के रहो जितने भी उबर ड्राइवर्स हैं, क्योंकि ये लोग बहुत जगह पे फंसा देते हैं, और अभी इन लोगों का लोकेशन आ जाएगा, ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इन लोगों का लोकेशन आ जाएगा, मैं रोते रोते रह जाऊंगा, लेकिन ये पैसा देंगे नहीं, इसलिए मैं अभी पुलिस स्टेशन के यहाँ पे खड़े रह के इनको उतारता हूँ, और इनसे जितना हुआ वो पैसा मैं ले लेता हूँ, मुझे और बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मेरे को जहाँ तक नहीं पहुँचूंगा वहाँ तक मैं सॉरी इनको लेके नहीं जा सकता, आपको नहीं आना है तो मत आओ, मैं पुलिस स्टेशन के अंदर ले रहा अभी, ले लो अंदर, ये गया पुलिस स्टेशन, और आपका साहब को फोन करो, मेरा कोई साहब नहीं है, अरे वो डिपार्टमेंट अपना, मैं क्यों करूंगा, ऊपर वाले को फोन तुम करो जो करने का, मैं क्यों करूंगा, बोला अच्छा कोई बात नहीं, चलिए चलिए आपका कार्ड वगैरह ले लिए पुलिस का, मैं क्यों, मैं तो वीडियो चालू करके जाऊंगा, हाँ चालू रखो, वो ले लो आपका, सर आपण डिपार्टमेंट बसलो ना, अरे गाडीमध्ये बसले त्यापासून मला शिव्या घालतात ते, नाही ना आतमध्ये नाही इथे, आणि आता मी त्यांना तो कंज्युमर विंज्युमर काय काय म्हणतात आम्हाला आपल्याला माहीत नाही, मी व्हिडिओ काढूनच त्यांना नेणार, त्यांना इथे नाही ना आतमध्ये, त्यांना घेऊन जा आतमध्ये, ते सिनियर सिटीझन बघून मी काय बोलत नाही आहे तरी पण माझ्यासाठी असं करतो, हे काय करतो मी, अरे शिव्या घालत होतो मला, तर मी व्हिडिओ सो अभी गाइस जो प्रॉब्लम हुआ मेरा वो
इजहार नहीं कर सकता कि पुलिस वाले लोगों ने भी मेरी मदद नहीं की। और जैसे कि अगर कुछ मैं पुलिस स्टेशन लेके गया था ये अंकल को, और वहाँ पे जैसे कि मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इनको आगे लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर कभी कुछ वहाँ पहुँच के भी अगर देखो, सबसे पहली बात मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ कि मैं किसी की गालियाँ खाऊँ। सो मैंने इनको पिकअप करके जब अभी ड्रॉप किया तो पैसे जितने होते उतने दिए उन्होंने, लेकिन मेरा बोलने का रीज़न ये है कि आप किसी को भी नीचे मत देखो कि कोई इंसान नीचे है, कोई इंसान आपके ऊपर है तो आप कि आपका ओहदे के ऊपर ओहदा देखा कर, और सॉरी अपना दिखाकर ओहदा दिखाकर आप नीचे वालों को नीचे गिराने की कोशिश करोगे। तो ये इंसान ने भी वैसे ही किया, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में लेके गया तो पुलिस लोगों से भी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि आप गलत बोल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आज उनके सामने भी ये सारी चीज़ें दिखी कि जो वो मेरे साथ कर रहे थे, वेटिंग का पैसा, ये पैसा, वो पैसा, मैं नहीं दूंगा, ऐसे वैसे जो सारी चीज़ें बोल रहे थे वो पूरा उन लोगों उनके सामने आया, टोटली फ्लॉप हुआ वो ऐसा है ही नहीं उबर। तो मैं उबर में जब गाड़ी चला रहा हूँ इतने साल से मैं देख रहा हूँ, और क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है, लेकिन ये इंसान इनकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो समझते नहीं है, उनको ड्राइवर को ऐसा लगता है कि उनके पैर के नीचे का धूल है, इसके लिए वो लोग ऐसे गलत तरीके से बात करते हैं। मैं अगर देखने जाऊँगा तो अगर कोई इंसान गाड़ी चला रहा तो उनकी जान मेरे पास है, मैं गाड़ी चला रहा तो उनको सेफली पहुंचा रहा हूँ, सबसे पहली बात ये, आपको अच्छी फैसिलिटी दे रहा हूँ, आपको अच्छे से बात करने वाला ड्राइवर मिल रहा है, ड्राइवर इनफैक्ट आपको सहूलियत मिल रही है इतनी, घर डोर टू डोर आपको सर्विस मिल रहा है, और आप एक इंसान को गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो और गालियाँ दे रहे हो। मैंने कैमरा चालू किया तो आपका बिहेवियर चेंज हो गया, लेकिन आप बोल रहे थे। पुलिस स्टेशन में भी वही किया, पुलिस स्टेशन में सबसे पहले पुलिस ने मेरे साथ एक बात की कि पुलिस ने मुझे ऐसा बताया कि ये हमारा काम नहीं है, कि अगर कोई और इंसान अगर मेरे गले पे चाकू रख कर और वो मार देता तो वो आपका काम था। अगर मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो अगर मैं आप लोगों से कुछ चीज़ का क्वेश्चन का आंसर मांग रहा हूँ या मैं कोई सिचुएशन में फंसा हुआ तो उसका मैं सलूशन अगर आपसे मांग रहा हूँ तो आपका फर्ज तो बनता होगा ना थोड़ा कि अगर आप उसे सलूशन दो। आपको ही वो आपके सामने ही दिख रहा है कि वो बंदा गलत बात कर रहा है, आपके सामने ही वो आपको गलत मानने की कोशिश कर रहा है, और आप 6:11 हो रहा है और मैं क्या करूँ, अभी कैसे पैसे कमाऊंगा, अगर मुझे घर पे भी पैसे देना मैं कैसे पैसे दूंगा, पूरा 3 घंटा मेरा बर्बाद हो गया पुलिस स्टेशन के अंदर। 2 मिनट का काम था, उनको बोलना भाई जितना पैसा हो रहा है यहाँ पे तो दूसरी गाड़ी करो, बुकिंग करो, हटाओ। आपने फिर भी मुझे ही वहां पे रुका के रखा, उसको भी वहां पे रुका के रखा, और मुझे ही बोला उसको छोड़ देने के लिए यार। लेकिन चलो फिर भी गाइज, अगर ऐसे भी लोग अगर आप लोगों को मिलते हैं, अगर आप उबर में गाड़ी चलाते हो और इस तरीके के लोग अगर आपको मिलते हैं तो डरना नहीं है। आप लोगों को चाहे कितने भी बड़े बोले, अगर प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बैठ जाए गाड़ी के अंदर, तो आपको डरना नहीं है उस चीज़ के लिए कि अगर आप गलत नहीं हो और आपको कोई थ्रेड करे, आपको परेशान करे, कोई आपको गाली दे के बात करे, तो सबसे पहले आप अपना उबर के या ओला के सर्विस सेंटर में कॉल करो, आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करो और सबसे पहले गाड़ी से उतार दो। गाड़ी से उतारोगे आपको आपको जितना पैसा है उतना पैसा लेके उतार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग उबर में मिलते हैं और मिलेंगे ज़रूर। इस तरीके से मेरा आज का दिन ख़राब हुआ और देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। पुलिस वालों ने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिया, मेरा गाड़ी का नंबर लिया, मेरा लाइसेंस नंबर लिया पुलिस, और उससे कुछ नहीं लिया। वो एक्चुअली सीनियर सिटीजन था, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि सीनियर सिटीजन के साथ मैं अगर वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि सर आपका लोकेशन आने तक आप शांत रहो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जितना होगा वो आप उतना ही पैसा देना। तो शायद उनको वो पता नहीं था कि ये सारी सिचुएशन
उन्होंने इतना क्रिएट कर दिया कि मेरा भी दिन खराब किया, मेरा भी समय खराब किया, और 20 रुपये ऊपर दे रहे थे। 20 रुपये ऊपर मैं क्या भिखारी हूँ? मेरे को 20 रुपये के लिए यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ यार। छोड़ो छोड़ो, मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत पैसे उड़ाए, बहुत सारी चीज़ें की है। इसका मतलब ये नहीं कि 20 रुपये के लिए मैं उसके लिए, अरे यार बूढ़े इंसान ने 20 रुपये दिया ये कि मैं गरीब हूँ कि मेरे पास, अरे गरीबी तो इंसान ने देखी है भाई, मरना तो गरीब नहीं है इतना तो मुझे पता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि किसी का एक्स्ट्रा पैसा लेकर और उबर में पैसे कमाऊँ, मेरे को नहीं चाहिए वैसे पैसे। ठीक है, मैं ईमानदारी के पैसे कमा रहा हूँ और ईमानदारी के पैसे कमाऊँगा, जो मैंने सीखा है मेरे पेरेंट्स से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, जो मैंने पैसे सीखा है मैं वही कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो ये मेरा दिन आज का ख़राब हुआ, आप लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट शायद होगा, तो आप लोग देख के सीखिए। और ओला उबर में ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं उसे ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। तो तब तक के लिए डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रणहा व्लॉग्स। तब तक के लिए बाय।